वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आप अपने होने वाले प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास टेंथ का, इस प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले विद इन 10 डेज आप अपने मैथमेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन कैसे करो, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसको आप कंप्लीट कैसे करो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा कह लो एक इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए हमें करना क्या है कि हमारे मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो टोटल 20 चैप्टर्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स डिफरेंट डिफरेंट है, बट ऐसा आप मान लो कि 20 के अप्रॉक्स में आपके टोटल चैप्टर्स हैं। अब इन 20 चैप्टर्स में से हमारे चैप्टर्स जो हैं तीन टाइप के हैं, एक ईजी वाला है, एक हमारे पास मीडियम वाले चैप्टर हैं, ठीक है, और एक कह लो थोड़ा सा मोर प्रैक्टिस वाले चैप्टर हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस तीन कैटेगरी से हमारा पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस डिवाइडेड है। इन तीनों कैटेगरी पर हम बात करेंगे, तीनों का मैं आपसे प्लान डिस्कस करूँगा कि तीनों को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर उसको हमें फॉलो करना है। और यकीन मानो, अगर आप मेरा बताया हुआ टेक्निक ये फॉलो करते हो तो विद इन 10 डेज आप 100% सभी चैप्टर्स को रिवाइज़ कर जाओगे, अगर आपने अभी तक अपना 70% या कह लो 50% तक भी सिलेबस कंप्लीट किया है तो, ठीक है। फिर मेरा आप सभी से ही कहना होगा कि अगर आपका कोई चैप्टर अभी बच गया है तो उस पर थोड़ा कम टाइम दे करके बाकी जो आपके चैप्टर्स कंप्लीट हैं उनके रिवीजन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, ताकि आप अपने होने वाले प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं उनके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो गलत ना हो, ठीक है। बाकी जो चैप्टर आपके बचे हैं उनको आप धीरे धीरे कह लो सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि सेकेंड प्री बोर्ड तक उनको भी आप कंप्लीट कर पाओ। तो अगर हम लोग पहले ईजी चैप्टर्स की बात करें तो आपका अगर जो ईजी वाला सेगमेंट है इसमें आप देखते हो तो बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे GST है, सेकेंड नंबर पे आपका बैंकिंग आता है, थर्ड नंबर पे आपका आता है शेयर एंड डिविडेंड्स, देन आपका फोर्थ नंबर पे आता है कह लो लीनियर इन इक्वेशंस, देन आपका फिफ्थ नंबर पे कह लो है फैक्टराइजेशन है, देन आपका सिक्स्थ नंबर पे कह लो आपका चैप्टर अगला आता है रिफ्लेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, अगर आता हो तो कंस्ट्रक्शन है, देन सेवन्थ नंबर पे कह लो आपका प्रोबेबिलिटी है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इन सभी चैप्टर्स में मुश्किल से एक या फिर दो एक्सरसाइज दी गई हैं, एक या दो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, और ये जो सभी चैप्टर्स हैं मुश्किल से इनको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कह लो प्रीवियस नॉलेज, जो कुछ भी आपने अभी तक क्लास 6, 7, 8, 9 तक पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके सारे के सारे चैप्टर आपके सॉल्व होते हैं, या फिर कह लो मुश्किल से इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि इन चैप्टर्स को अगर आपने अभी तक पढ़ा रखा है तो इनको रिविज़न करने में मुश्किल से 2 या 3 दिनों का समय लगेगा, आप इन सभी चैप्टर्स को काफ़ी इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स में वाकई में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके आप इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट करो, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इनको पढ़ डालो, ठीक है। तो फर्स्ट पहले आप इन 7 चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर डालो, इनको मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि विद इन 4 डेज आप मान लो, विद इन 4 to 5 डेज या फिर 3 डेज मान लो मैक्सिमम, मैं क्योंकि आपको प्री बोर्ड में आने वाला है और आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो 3 डेज के अंदर, 3 डेज में इन सभी चैप्टर्स को आप कंप्लीट करो। और उसका प्लान ये है कि पहले 3 दिनों में आप बैंकिंग, फर्स्ट डे आप कर लो बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स कर लो फर्स्ट डे, बैंकिंग शेयर एंड डिविडेंड्स एंड एक चैप्टर आप रख लो रिफ्लेक्शन, ये 3 चैप्टर पहले आप कर लो। चैप्टर नंबर कौन कौन सा, बैंकिंग, फर्स्ट डे आप कर लो बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स एंड रिफ्लेक्शन, इन 3 चैप्टर आपके बहुत ईजिली एक दिन में हो जाएंगे, मुश्किल से 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो बैंकिंग में आप मुश्किल से 20 मिनट में उसका रिवीजन कर लोगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे, शेयर एंड डिविडेंड्स पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है। देन आप एक दिन में कर लो GST, सेकेंड डेज आप कर लो जीएसटी
प्रोबेबिलिटी, जीएसटी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकंड डे में आप कर लो जीएसटी एंड प्रोबेबिलिटी, थर्ड डे आप कर लो लीनियर इक्वेशन एंड फैक्टराइजेशन। इस तरह 3 दिन के अंदर आप इन तीनों इस इजी सेगमेंट को, जो आपका मैथमेटिक्स का इजी सेगमेंट है, जो कह लो बहुत ही आसान चैप्टर है, इनको आप विद इन 3 डेज रिपीट कर लोगे। मैंने बताया पहले दिन आप क्या कर लो, तो बैंकिंग सेरेंडिपिटी रिफ्लेक्शन, सेकेंड डे पे जीएसटी और प्रोबेबिलिटी, और थर्ड डे पे लीनियर इक्वेशन एंड फैक्टराइजेशन। तो इस 3 दिन में आपके टोटल कह लो, एंड यहाँ पे आप लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन भी सेकेंड डे में, कौन कौन से, जीएसटी प्रोबेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस तरह टोटल 3 दिनों में आप अपने पूरे मैथ सिलेबस के टोटल 8 चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे, और देखने में आपको ये 8 चैप्टर लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानो इनसे कम से कम 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और ये अगर आप कर लेते हो इस तरह से, इनका सीरियस होकर रिवीजन कर लेते हो, तो 30 नंबर आपके पक्के हैं, आ ही जाएंगे। मुश्किल से 1 घंटे के रिवीजन में आप दोबारा इन 30 नंबर को तैयार कर लोगे जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा। देन हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है मीडियम चैप्टर्स। जो ये हमारे मीडियम चैप्टर्स हैं, इनमें आपका आता है पहले नंबर पे मैट्रिसेस, कह लो कि ईजी है बट इसमें फार्मूले थोड़े ज़्यादा हैं। देन आपका सेकंड नंबर पे आता है सिमिलारिटी, देन आपका थर्ड नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, पूरा नोट डाउन करता हूँ मैं। थर्ड नंबर पे आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ पे आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाता है, इसी में आपका आता है अगला चैप्टर हमारा AP and GP, एंड सिक्स्थ नंबर पे आप कह लो आपके लिए आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। ये टोटल 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, सिमिलारिटी, मैट्रिसेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, APGP एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड सातवें नंबर पे आपके लिए है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सेक्शन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सेक्शन फार्मूला। टोटल कह लो ये भी हमारे एक 2 चैप्टर एक साथ मैंने लिख दिया है, तो टोटल ये 8 चैप्टर आपके पास हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फार्मूला, स्टैटिस्टिक्स, APGP, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमिलारिटी एंड मैट्रिसेस। इस तरीके से टोटल आपके पास ये 8 चैप्टर हैं, और इनको हमें करना क्या है, इनको हमें 5 डेज में इनका रिवीजन कंप्लीट करना है। अगर आपने इनमें से कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो उसको आप किनारे कर लेंगे, साइड में रख लेंगे, उनको आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पहले जो अपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हैं, इनको रिवाइज़ करने के बाद आप उनको कंप्लीट करेंगे। जिनमें से अगर आपने इनमें से कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको करना क्या है कि सिमिलारिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 1 दिन में इनका रिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगर आपने पढ़ लिया है। और रिवीजन में आपको करना क्या है, तो मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट करना है, PYQs करने हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो भी फार्मूले उनको पढ़ो उन पे बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQs करो। एंड ML अग्रवाल बुक अगर आपके पास है तो मैंने ML अग्रवाल बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं जिनका आपका रिवीजन करना है। तो जो मेरे बताए हुए क्वेश्चन हैं ML अग्रवाल बुक से उनको आपको कर लेना है, कुछ और करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। और फोर्थ नंबर पे अगर पिछले साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उनको रिपीट कर लो, अगर नहीं मिलता तो हमें बताएं, उसको भी मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमें करना क्या है इन चैप्टर्स में, सिमिलारिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें 1 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन लगाने हैं, PYQs करने हैं। अगर आपके पास ML अग्रवाल की बुक है, चाहे जो भी बुक है, उस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हो। ML अग्रवाल बुक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं, अगर कोई बुक है तो आप उसको देख के खुद से मार्क करके या फिर अपने टीचर्स के हेल्प से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके उनको रिपीट कर सकते हो। देन आपको करना क्या है कि मैट्रिसेस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन APGP आपको 1 दिन में ख़त्म करना है। सेकेंड डे आपको करना है मैट्रिसेस एंड APGP, डे 1 आपका ये है, डे 2 में है मैट्रिसेस एंड APGP, सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, PYQs, ML अग्रवाल के क्वेश्चन एंड स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, जो भी आपके पास एक्सरसाइज की बुक है, ML अग्रवाल हो तो ML अग्रवाल, सलीना की बुक हो तो सलीना कर लो, जो भी बुक आपकी हो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। देन
रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड स्टैटिक्स, आप इसको एक दिन में करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन एंड स्टैटिक्स के हाफ पार्ट, आधा स्टैटिक्स कह लो, क्योंकि स्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखने में तो ईजी लगता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड स्टैटिक्स को आप एक दिन में कर लेंगे, ठीक है, हाफ पार्ट, यानी कि मीन वाला सेगमेंट और मीडियन वाला आप पढ़ लो एक दिन में, मीन मीडियन एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देन सेकेंड डे पे आप APGP एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपका फोर्थ डे होगा, उसमें APGP एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपका जो ये स्टैटिक्स है, सॉरी APGP और स्टैटिक्स को पूरा कंप्लीट करोगे आप फोर्थ डे पे। फर्स्ट डे मैंने बता रखा दो चैप्टर, सेकेंड डे के लिए दो चैप्टर, थर्ड डे के लिए रेशियो प्रोपोर्शन एंड ये रेशियो प्रोपोर्शन एंड स्टैटिक्स के दो पार्ट, मीन मीडियन, और फोर्थ डे में आपको APGP करना है एंड स्टैटिक्स को कंप्लीट करना है। एंड एक जो दिन आपका होगा, जो फिफ्थ डे है आपके लिए, जो मैंने जो टोटल पाँच दिन बोले हैं, जो पाँचवा दिन है, उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ ये दो चैप्टर करोगे हमारे, सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसीलिए मैंने इनको सिंगल डे में रखा है। इस तरह आप अपना पाँच दिन में इन पाँचों चैप्टर्स को आप रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने इनको पढ़ा रखा है पहले थोड़ा बहुत। और कैसे करना है हमें, तो मैंने आपको बताया सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ना है, PYQs करने हैं। अगर आपके पास ML अग्रवाल की बुक है तो मेरे बताए हुए क्वेश्चन आप रिवाइज कर लो, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, और अदर कोई बुक है तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लो। और अगर कहीं से स्पेसिमेन क्वेश्चन के क्वेश्चन मिल जाए, स्पेसिमेन पेपर के पिछले 5 साल के, तो उनको आप रिपीट कर लो, समझ लो आपके चैप्टर प्रिपेयर हो गए हैं। और ये जो चैप्टर हैं इनका वेटेज है 60 मार्क्स का, इन सभी चैप्टर्स को मिला के कम से कम 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को कंबाइन करके। देन हमारा जो अगला सेगमेंट है, जो मैंने आपको बताया था थर्ड सेगमेंट हमारा, मोर प्रैक्टिस वाले, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर्स इनमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे पहले नंबर पे आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री, सेकेंड पे आपका आ जाता है कह लो हाइट एंड डिस्टेंस, थर्ड पे आपका आ जाता है मेंसुरेशन, एंड फोर्थ पे आपका आता है सर्कल, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर है जिनको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रेगुलर आपको थोड़ा बहुत इनको प्रैक्टिस करना है। तो जो आपके पास दो दिन एक्स्ट्रा बचा है, उनमें से किसी एक चैप्टर को आप कह लो कि स्टार्ट कर लो रिपीट करना, और यकीन मानो जो चैप्टर हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको कम से कम 15 दिनों का समय लगने वाला है। अब 15 दिन हमें डेली नहीं पढ़ना है इसको, 15 दिन तक अगर आप रेगुलरली हाफ आवर, आधे घंटे का समय आप देते हो, इनमें से कोई एक चैप्टर आप उठाओ, उसको डेली आधे घंटे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जानने से आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, जब तक आप इनके रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। इनको आप शामिल करो, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, और डेली आधे घंटे समय निकाल के इनको कम से कम 15 दिनों तक रिवाइज करते रहो। तो जो हमारा 10 दिन का टारगेट था, उसमें जो आपके पास 2 दिन लेफ्ट है, इन 2 दिनों में आप चाहो तो इनमें से कोई एक चैप्टर को ख़त्म कर सकते हो, या फिर जो आपके प्रीवियस चैप्टर हैं मीडियम और इजी वाले, उनको दोबारा एक बार रिपीट कर सकते हो। और जो मैंने बताया कि डेली आधे घंटे का समय देके, इनमें से हर एक चैप्टर को आप डेली आधे घंटे का समय देने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप आधे घंटे का समय फिक्स करो और इनमें से कोई एक चैप्टर उठाओ, उसको आप रिपीट करो, ठीक है। तो डेली आधे घंटे कर करके इन चारों चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने पूरे मैथमेटिक्स में 100 out of 100 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे। तो अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।